आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फोटोशॉप में एक ज्वाइंट फोटो प्रोफेशनल सा ज्वाइंट फोटो किस तरह बनाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा फोटो स्टूडियो में जो ज्वाइंट फोटो बनता है, उस तरह एक अच्छा सा बेस्ट क्वालिटी में प्रोफेशनल सा एक ज्वाइंट फोटो बनाना आपको हम सिखाएंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो फोटो ले लिया, दोनों फोटो को ज्वाइन करके एक फोटो ज्वाइंट फोटो बनाना है। अब देखिए ये फर्स्ट फोटो की जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जो एक कलर है, ठीक है, और सेकंड फोटो जो है इसकी भी बैकग्राउंड एक कलर है। जब भी फोटो आप लीजिए तो उसका पीछे का बैकग्राउंड एक कलर होना चाहिए, तब अच्छा रहेगा, तब आपका वीडियो तब आपको फोटो बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना आएगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं आएगा अगर आपका बैकग्राउंड एक कलर का रहता है। तो जैसा कि ये देख पा रहे हैं, अगर आपका कोई फोटो का बैकग्राउंड एक कलर नहीं है तो कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रॉप टूल को सेलेक्ट करना है, अगर आप उसके बाद आपको जितना एरिया आपको ज्वाइंट फोटो में लेना उस तरह आपको एरिया को इतना सेलेक्ट कर लेना, जितना आपको ज्वाइंट फोटो में लेना एरिया उसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह। उसके बाद इसका बैकग्राउंड बदलने के लिए आपको यहाँ पे ब्रश टूल को सेलेक्ट करना, किस कलर में बैकग्राउंड देना चाहिए तो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह पूरी करके आप बैकग्राउंड बदल सकते हैं। तो इस तरह आप पूरे फोटो का बैकग्राउंड बदल सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते, बड़ा करेंगे तो ये जो है ये मोटा में कलर होगा इस तरह आप इसका बैकग्राउंड बदल सकते हैं। तो उस तक अब भी फोटो का बैकग्राउंड बदल सकते हैं, ठीक है। तो फोटो का बैकग्राउंड एक रहना चाहिए, तब आपको फोटो बनाने में दिक्कत ना आएगी। अगर फोटो का बैकग्राउंड एक नहीं है तो उस तरह आपको फोटो का जो बैकग्राउंड है बदलना होगा, ठीक है। तो अब चलिए फोटो ज्वाइंट करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से फोटो को उतना ही क्रॉप करना है जितना आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए मैं फोटो का इतना सा एरिया ज्वाइंट फोटो में लेना चाहता हूँ, सेलेक्ट करेंगे उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे या इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये क्रॉप हो गया। उसके सेकेंड फोटो भी हम ओपन करेंगे, सेकेंड फोटो का भी देख सकते हैं फोटो का जो बैकग्राउंड है एक कलर, तो इसको हम भी इस तरह सेलेक्ट करेंगे कितना एरिया हम लेना चाहते हैं ज्वाइंट फोटो में, उसको इंटर बटन प्रेस करेंगे या सही के निशान को क्लिक करेंगे तो ये फोटो क्रॉप हो जाएगा। अब देख पा रहे दोनों फोटो क्रॉप हो चुका है, दोनों फोटो को ज्वाइंट करना है उसके लिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे या फाइल में आएंगे या न्यू पे आएंगे। तो यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर आपको पेपर साइज को A4 सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे एक पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाले, या कीबोर्ड से भी सेलेक्ट करेंगे तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस फोटो को इस तरह इस फोटो पे क्लिक करेंगे और इस फोटो को इस तरह यहाँ पे लाके न्यू पेज में रख देंगे। फिर सेकेंड फोटो को भी इस तरह हम खींच कर मूव करके यहाँ पे इस फोटो में दे देंगे। अब इस पेज को हम बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिए दोनों फोटो एक जगह में, अब फोटो में फोटो दे देंगे। अब दोनों फोटो की जो साइज है इस तरह हम दोनों फोटो के साइज को सेम कर लेंगे, इस तरह दोनों फोटो के साइज सेम है जो ओके कर देंगे। उसके बाद इस फोटो को साइड में कर लेंगे, इस फोटो के बगल में, ये फोटो बगल में हो चुका है। उसके बाद ये दोनों फोटो एक जगह पर हो चुका है। अब फिर से यहाँ पे क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फोटो को क्रॉप कर लेंगे। अगर ये क्रॉप करने पर ज़्यादा नहीं खींचा जा रहा है तो यहाँ पर क्लियर पहले करेंगे, तब आपको यहाँ पे फिर से करेंगे तो जहाँ तक खींचना चाहते हैं आप वहाँ तक ये खींचा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फोटो का ये सेलेक्ट हो चुका, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे, कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो क्रॉप हो चुका है। फोटो दोनों एक ज्वाइंट हो चुका है, लेकिन फोटो का जो बैकग्राउंड है देख सकते हैं इसका वाइट कलर और इसका बैकग्राउंड कुछ अलग है। तो दोनों का बैकग्राउंड एक देंगे ताकि फोटो लगे कि हाँ ज्वाइंट फोटो है, कोई ये नहीं पता चले कि फोटो ज्वाइंट किया गया। तो उसके लिए सबसे पहले हमको इस फोटो को सेव करना होगा, फाइल पे आएंगे, यहाँ पे सेव करेंगे या कीबोर्ड से आप कंट्रोल अलर्ट एस प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इस पे आएगा, यहाँ पे फॉर्मेट में आपको JPG सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे फाइल का नाम दे सकते हैं। उसके बाद एरिया पूछेगा कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारा फोटो सेव हो चुका, अब क्या करेंगे इसको हम क्लोज कर देंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे और इसको भी हम यहाँ से क्लोज कर देंगे।
तो आप देख सकते हैं ये फोटो हमारा सेव हो चुका है। इसको हम फिर से ओपन करेंगे फोटोशॉप में, यहाँ पे ओपन विथ में आएंगे और एडोब फोटोशॉप को सेलेक्ट करके फोटोशॉप में इस फोटो को ओपन कर लेंगे जो मैंने अभी सेव किया। तो ये देखिए ये फोटो जो मैंने सेव किया था, इसको फिर से फोटोशॉप में ओपन कर लिया हूँ। अब सबसे पहले इसका बैकग्राउंड बदलेंगे। बैकग्राउंड बदलने के लिए यहाँ मैजिक टूल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको दो नंबर वाले को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड बदलना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक करना होगा। तो बैकग्राउंड पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका जो बैकग्राउंड का कलर है और इनका शर्ट का कलर दोनों सेम है, जिसकी वजह से इनका कलर शर्ट पे भी आ चुका है। अगर दोनों कलर अलग अलग रहेगा तो इसके ड्रेस पे नहीं आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका ड्रेस का कलर कुछ अलग है और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो ये वाइट है, तो अगर इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो इनके ड्रेस पे नहीं है पहुँचेगा। जितना भी क्लिक करेंगे तो इनके ड्रेस पे नहीं जाएगा, क्योंकि इनका ड्रेस का जो बैकग्राउंड है कलर है वो अलग है और बैकग्राउंड का कलर अलग है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड वाइट है और इनका जो ड्रेस है वो ब्लू है। तो मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया, लेकिन इनके शर्ट पे नहीं आया, इनके शर्ट पे नहीं है। लेकिन या इसके शर्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड इसका और इनका जो शर्ट का कलर है वो सेम है, तो इसकी वजह से इनके शर्ट पे भी यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बैकग्राउंड में ऐसा कलर दीजिए जिस कलर का आदमी के कपड़ा पहनता ही नहीं, बहुत कम पहनता है, ठीक है। तो ये भी है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको यहाँ पे फर्स्ट वाले टूल को सेलेक्ट करेंगे। इस टूल को सेलेक्ट करने के बाद आपको अलर्ट के साथ इस तरह आपको खींचना है, मतलब कि कपड़े के देखते जाइए। मैं पूरे कपड़े को साइड साइड से इसको हम गोल कर लेते हैं, मतलब कि कपड़े पर से हटाना है इसको। ये देख लीजिए कुछ इस तरह का आपको कपड़े पर से हटा देना है। इस तरह आपको पूरी कपड़े पर से हटा देना है। अब ये देखिए इनका कपड़े पर से हट गया, यानी कि अब जो ये सेलेक्ट है तो ये बैकग्राउंड सेलेक्ट है, ठीक है। अब बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ पे इस टूल को सेलेक्ट करेंगे, या कीबोर्ड से आप जी सेलेक्ट करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह यहाँ पे आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर आपको पूछेगा किस कलर का बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, तो आपको इस वाला कलर को देना है, ये वाला है। तो यहाँ पे जो ये वाला कलर है ठीक, इस कलर को आपको सेलेक्ट करना है, देख लेना आपको अच्छे से। यहाँ पे आपको इस कलर पे आ जाना है, इस कलर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्रोम कलर को आपको सेलेक्ट करना, उसके बाद कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इस वाले को फिर क्लिक करना और इसको खींच कर ला के इस साइड में कर देना है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा। फिर से ये वाले पर क्लिक करेंगे और इसको भी खींच कर ला के इस साइड में कर देना, उसके बाद फिर से इसको भी सेलेक्ट करके फिर से इसको लाकर इस साइड को कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका कलर जो कुछ इस तरह का, इस कलर आपको कलर सेलेक्ट करेंगे तब आपको अच्छा रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, फोटो के बीचम बीच आना। ये देखिए मेरा माउस जो है फोटो के बीचम बीच है, ठीक है। फोटो के बीचम बीच ऊपर में क्लिक करके और इस तरह नीचे लाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए माउस का, देख लीजिएगा माउस कहाँ पे आपको शो कर रहा है। यहाँ पे पूरा नीचे लाएंगे, पूरा सीधा बीचम बीच क्लिक करके पूरा नीचे लाएंगे, नीचे तक लाएंगे। जैसे आप नीचे तक लाएंगे तो आप माउस को छोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड बदल चुका है। तो कितना अच्छा से एक बैकग्राउंड यहाँ पे बदल चुका है, एक अच्छा सा प्रोफेशनल सा फोटो आपका बन रहा है, ठीक है। तो दोनों का बैकग्राउंड एक हो चुका है, आपको ये नहीं बता सकता ये दोनों एक जगह पे खड़े होकर फोटो खिंचाया या अलग अलग फोटो को ज्वाइंट किया गया। तो फोटो का बैकग्राउंड जो यू देख सकते हैं दोनों एक हो चुका, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, फोटो का तो बैकग्राउंड दे चुके हैं, अब यहाँ पे एक फ्रेम देना है फोटो के साइड साइड, एक फ्रेम देना है। उसके लिए क्या करेंगे, ये वाले फर्स्ट वाले टूल को सेलेक्ट करेंगे इसको, उसके बाद यहाँ पूरी फोटो को इस तरह यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह आपको पूरी फोटो को सेलेक्ट कर लेना होगा। पूरी फोटो सेलेक्ट होगा क्योंकि मुझे फोटो की चारों साइड बैकग्राउंड मतलब कि एक बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर देने के लिए पूरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद माउथ के राइट साइड सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, इस तरह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है विथ, विथ में आप जितना देना चाहे दे सकते हैं, मैं फिलहाल 3 देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या कलर, किस कलर का बैकग्राउंड देना चाहिए, यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे लोकेशन इनसाइड सेंटर आउटसाइड, यहाँ पे सेंटर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ओके कर देंगे, यहाँ पे देखिए फोटो की चारों साइड एक बैकग्राउंड लग चुका है जो कि रेड कलर का, मैंने रेड कलर यहाँ पे सेलेक्ट किया था। अगर आपकी फ़ोटो में लाइट नहीं, फ़ोटो में लाइट दे सकते हैं, फ़ोटो में लाइट देने के लिए कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, कंट्रोल जैसे आप कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने फ़ोटो में लाइट दे सकते हैं, तो मैं आपको दे के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह, यहाँ पे एक लाइन जो दिया गया बीचम बीच, इस लाइन को अगर ऊपर करेंगे तो फोटो में लाइट जाएगी, अगर नीचे करेंगे तो फोटो में लाइट, सॉरी ऊपर करेंगे तो फोटो में लाइट आएगी, नीचे करेंगे तो लाइट जाएगी। तो यहाँ पे ये लाइन जो लाइन के बीचम बीच क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे एक काला कलर का यहाँ पे एक टोकन बन चुका है, मतलब कि एक दाग बन चुका। अब इसको ऊपर अगर करेंगे, तो अगर इसको ऊपर करेंगे तो फोटो में लाइट आएगी, देख लीजिए, देख जितना ऊपर करेंगे हम आपको दिखा रहे हैं, जितना ऊपर करेंगे उतना लाइट आएगी और जितना नीचे करेंगे उतनी लाइट घटेगी, ठीक है, लाइट घटेगी। तो फोटो में आप लाइट दे दीजिए, आपको जितना अच्छा लगे लाइट वो दे दीजिए, उसके बाद ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर लग रहा है आपका जो इनका जो आँख है वो काला है, छोटा है, तो इनको आप किस तरह बड़ा कर सकते हैं, लाइट दे सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर फिल्टर पर आएंगे और यहाँ पर आपको या आप कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल एक्स सेलेक्ट करेंगे, तो या आप इस फिल्टर पर आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करेंगे और इनकी आँख पे क्लिक करना है, तो इनका आँख जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आँख अगर छोटा है तो इस वाले टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसके आँख पे क्लिक करेंगे और माउस के बटन प्रेस करेंगे तो इनका आँख जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इनका आँख भी बड़ा हो चुका, ठीक है। तो मैं नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आपको बता रहा था। यहाँ पर मैं अगर आप करना चाहते तो यहाँ पे ओके कर देंगे, अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। ये फोटो बन चुका है, ठीक है। अब देखिए ये फोटो बन चुका, फोटो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए फोटो की साइज़ देंगे, फोटो की साइज़ देने के लिए दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो आप यहाँ पे इमेज पे आएंगे, यहाँ पे इमेज साइज़ पर आप क्लिक कर सकते हैं, या आप फोटो के यहाँ बीचम बीच क्लिक करके माउस के राइट साइड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज साइज ओपन हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का सेंटरपीस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे टिक मार्क हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दे देना होगा फोटो की जो फुल ज्वाइंट फोटो की साइज होती है वो दे देना। सबसे पहले यहाँ पे जो इसको हम सीएम में करेंगे, सीएम को 300 यहाँ पे करेंगे, सीएम 300 के। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको देना है कितना मालूम है, यहाँ पे देना है, उसके बाद यहाँ पे 510 करना है, 510 विथ में और हाइट में 390। उसके बाद यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे, ये जो होगा फोटो का ज्वाइंट फोटो का साइज बन चुका। तो ये जो फोटो, ये फोटो की साइज है, ये एक ज्वाइंट फोटो की साइज में फोटो हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से न्यू फाइल लेंगे या कंट्रोल एन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पेज को A4 पेज सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये एक पेज सेलेक्ट हो चुका है। अब इस फोटो को हम फोटो निकालेंगे, एक लाइन में 5 फोटो कम से कम निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में 6 फोटो निकाल सकते हैं। तो फोटो निकालने के लिए सबसे पहले हमको फोटो को रोटेज करना होगा, मतलब घुमाना होगा। तो यहाँ पे इमेज पे आएंगे, यहाँ पे रोटेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम 90 CW को सिलेक्ट कर लेंगे। ये फोटो जो रोटेज हो चुका है, मूव हो चुका, घूम चुका, उसके बाद यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे इस तरह और फोटो पे क्लिक करेंगे और इस फोटो को खींच कर ला के यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे देखिए ये पेज में हमारा फोटो कुछ इस तरह यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये फोटो सेलेक्ट आ चुका है। अब इस फोटो को डबल करेंगे, डबल करने के लिए फोटो को सेलेक्ट करेंगे इस तरह, उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल अलर्ट शिफ्ट को एक साथ प्रेस करेंगे और माउस से खींचेंगे इधर, माउस से अगर खींचेंगे तो यहाँ पे डबल फोटो बन जाएगी, लेकिन वही मतलब इसका जो बराबर साइज रहेगा वही रहेगा, ना ऊपर नीचे ना होगा, एक ही लाइन में रहेगा, ठीक है। इस तरह कंट्रोल अलर्ट शिफ्ट के साथ आपको खींचेंगे फोटो को, तो फोटो जितना खींचेंगे उतना डबल होते जाएगा, 3 हो गया। फिर हम खींचेंगे, फिर यहाँ पे देख लीजिए 4 हो चुका है, फिर हम खींचेंगे 5 हो चुका है, फिर हम खींचेंगे 6 हो चुका है। एक लाइन में 5 हटता है और 6 भी हटा सकते हैं अगर छोटा छोटा करेंगे तो। इस तरह यहाँ पे हम फोटो को एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम यहाँ फोटो को सेलेक्ट करेंगे और एक और फोटो, 6 फोटो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पे 6 फोटो आ चुका है। ये फोटो प्रिंट के लिए अब रेडी है। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे कीबोर्ड से या
फाइल पे आएंगे, यहाँ पे प्रिंट विथ प्रीव्यू को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कह रहा है अगर प्रिंट होगा तो इस तरह फोटो आएगा। यहाँ पे देखिए फोटो थोड़ा सा कट रहा है, उसके लिए सेंटर इमेज को अनमार्क करेंगे, उसके बाद फोटो को थोड़ा खींच कर नीचे लाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फोटो देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह आ गया पेज जो प्रिंट होगा तो उस पर कुछ इस तरह का फोटो आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फोटो सेट करेंगे कुछ इस तरह। यहाँ पे कह रहा है आपका कौन सा प्रिंट, यहाँ पे जितना प्रिंट का डिवाइस इंस्टॉल है वो सारा शो करेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पेपर साइज कौन सा पेपर देना चाहते हैं, A4। ये जो ये प्रिंटर के हिसाब से था, ये जो आपको ऑप्शन मिलेगा ये प्रिंटर के हिसाब से ऑप्शन मिलेगा, कुछ फिर अलग अलग प्रिंटर में अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पे पेपर करा है कौन सा पेपर आप पे निकालना चाहते हैं, ऑप्शन फोटो को। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड हाई कलर या वाइट ब्लैक एंड वाइट या कलर वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके बटन में क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ओके करेंगे आपका फोटो जो प्रिंट हो जाएगा। ये तो फोटो हो गया, आप जो फोटो बनाते हैं तो ये तो फोटो बन गया। आप देखिए फोटो जो बनता है यानी कि जो कस्टमर को फोटो दिया जाता है उसमें एक फोटो नंबर भी दिया जाता है, तो फोटो नंबर कैसे देते हैं उसके लिए यहाँ फोटो को सेव करेंगे, यहाँ फाइल्स पे क्लिक करेंगे सेव करेंगे, और यहाँ पे एक ड्राइव में एक फोल्डर हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हम फोल्डर बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, इस फोल्डर का नाम दे देते हैं फोटो, ठीक है। अब ये फोटो में हम यहाँ पे इस फोटो को सेव करेंगे, वह एक नाम से सेव करेंगे, यानी कि फोटो का नंबर जो होगा वह एक नाम से हम यहाँ सेव कर लेंगे, ये फोटो एक नाम से सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये फोटो को मैंने ना एक नंबर दिया है, ये नंबर से फोटो इसी नंबर हम देते कस्टमर को, और इसी नंबर से फिर फोटो निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फोटो है, इस तरह ये देख सकते हैं फोटो का नंबर है, कोई भी फोटो का नंबर लेकर आएगा उसको हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे वो फोटो नंबर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख लीजिए मैं 550 दिया तो ये आ गया, तो जैसे यहाँ पे फोटो का नंबर देंगे तो वो फोटो यहाँ पे शो कर देगा। इसी तरह इस फोटो को हम फिर से प्रिंट करके दे सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे फोटो नंबर दिया जाता है, एक फोटो को नाम एक नंबर से सेव किया जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं फोटो यानी कि 1000 पूर गया था, तो 1000 के बाद हम उसी नंबर के आगे ए लगा दिए थे, आपने देखा होगा फोटो स्टूडियो में ए भी आगे में फोटो में लगा रहता है, तो नंबर भी ज़्यादा देंगे तो फिर दिक्कत होगा, लेकिन ए लगा देंगे और तो अच्छा रहेगा, ए लगा देंगे और कुछ नंबर दे देंगे छोटा सा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे देख सकते फोटो बन चुका है, मैं आपको फोटो व्यू करके भी दिखा देता हूँ। ये फोटो देख सकते हैं फोटो की क्वालिटी प्लस, और ये फोटो की क्वालिटी देख सकते हैं, ठीक। इसी तरह फोटो यहाँ पे इस तरह मैं बनाता हूँ, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको पहले ऑलरेडी वीडियो दे दिया था, वो वीडियो देख लीजिएगा, और आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्वाइंट फोटो के बारे में भी बता चुका हूँ। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।